क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम लोग मुमरा के शिमला पार्क नूरबाग शादी हॉल में, और यहां पर बता दें कि आपको एक डोनेशन, ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है मरहूम यासीन सुन्नी की याद में। अमल एजुकेशन फाउंडेशन सोसाइटी के तरफ से ये जो है ब्लड कैंप रखा गया। जो युवा नेता इमरान सुरमे है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया है, किस तरह से जो है लोगों तक ये ब्लड पहुँचेगा, क्या ये ब्लड जो है उन्हें फ्री में दिया जाएगा या कोई चार्ज लिया जाएगा, और कौन कौन सी संस्था इनके इस ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल है, किस तरह से जो है ये जो डोनेशन कैंप आज ब्लड लगा है, तो इसको अलीगढ़ अब मुमरा शहर में रहेगा, ये ब्लड बैंक में रहेगा, किस तरह से ये लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और हमारी हौसला अफजाई की, जज़ाकल्लाह। ये जो ब्लड कैंप जो आज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मुमरा शहर में पहले कालसीकर हॉस्पिटल में पहले मौजूद था, अभी कई दिन कई महीनों से नहीं होने की वजह से हमारे डॉक्टर लोग ने मशवरा किए कि हमारे ब्लड हमारे मुमरा में ब्लड बैंक की बहुत कमी है, तो इसके लिए हमने एक मैक्सिम लैब हमारा प्राइम टीटी केयर के नीचे है वहाँ पर इंशाल्लाह ये ब्लड स्टोरेज होगा, और जो भी डोनर है उसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जैसे उनको खुद को चाहिए तो वो फ्री रहेगा, और आप किसी को डोनेट करेंगे तो उनको जो भी एक प्रोसेसिंग फीस कुछ भी रहेगी थोड़ी बहुत, वो इंशाल्लाह उतनी रहेगी बस। अभी तक कितने लोगों ने यहाँ डोनेट किया? अभी 30-35 लोगों ने यहाँ पर डोनेशन, 40 लोग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। मैं डॉक्टर अरशद हूँ, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ मैक्सिम क्लिनिकल लेबोरेटरीज में। मैं यहाँ मुमरा शहर में 17 साल से काम कर रहा हूँ, और ब्लड बैंक की ज़रूरत बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी, क्योंकि अक्सर रात में लोगों को, पेशेंट के जो रिलेटिव थे उनको भाग दौड़ करनी पड़ती थी, ब्लड नहीं मिलने की वजह से पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जाता था, कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो गई ब्लड नहीं मिलने की वजह से। इसलिए ये ब्लड स्टोरेज सेंटर की शुरुआत की गई है मैक्सिम लेबोरेटरीज और प्राइम क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में। अब क्योंकि मुमरा में कोई ब्लड बैंक नहीं है, इसलिए जो भी कैंप होंगे वो ब्लड पहले ब्लड बैंक में जाएंगे। ब्लड बैंक में जाने के बाद उसकी सही तरीके से पड़ताल होगी, जांच होगी, उसमें से जो फिट फॉर ट्रांसफ्यूजन होंगे, जो ब्लड फिट फॉर ट्रांसफ्यूजन होंगे वो मैक्सिम क्लिनिकल लेबोरेटरीज में अवेलेबल होंगे। क्योंकि इसमें रिजेक्शन, इसमें बहुत सख्त टेस्टिंग के कानून है, कवायद हैं, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, इसी तरीके से VDRL की जांच होने के बाद जब ब्लड फिट पाया जाता है तब वो ट्रांसफ्यूजन के लिए अवेलेबल होता है। तकरीबन 5-10% रिजेक्शन ब्लड में होता है, ताकि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कोई नुकसान ना हो, इसलिए सारी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है और बहुत सख्ती से की जाती है। एक बार फिटनेस होने के बाद फिर ब्लड मुमरा में अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। आपके ब्लड जो बैंक है इसमें कोई कैसे पहुंचेगा, कुछ नंबर वगैरह है आपके कि जो लोग उसे संपर्क कर सके? हेल्पलाइन नंबर सारे हॉस्पिटल्स में दिए जा चुके हैं, और जो भी डोनर है उनको यही मैक्सिमम में ही कॉन्टेक्ट करना है। आई कार्ड दिया गया है, डोनर कार्ड दिया गया है, सर्टिफिकेट दी गई है डोनर्स को, तो सारे लोगों को अगर कभी ज़रूरत पड़ती है खुदा ना खास्ता तो मैक्सिम लैब में कॉन्टैक्ट करना है। उसके बेसिस पे उनको हॉस्पिटल की तरफ से लेटर दिया जाएगा, पेशेंट का सैंपल दिया जाएगा, वो सैंपल की मैचिंग होगी, मैचिंग के बाद वो ब्लड दिया जाएगा पेशेंट। डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत सारे कैंप है जो अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं, लेकिन ब्लड डोनेशन कैंप बहुत कम ही लगता है, उसके लिए क्या? ब्लड डोनेशन कैंप तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ज़रूरतें मैंने देखा, मैं KEM हॉस्पिटल से पढ़ा हुआ हूँ, अक्सर पेशेंट जो है मुसलमान होते हैं, मुसलमानों में ऑब्स्टेट्रिक केसेस ज़्यादा है, जचकी के केसेस ज़्यादा है, सिजेरियन ज़्यादा है, लेकिन देने वाले गुजराती है, देने वाले सिंधी है, इसलिए अपने लोगों में जैसे शफी भाई हैं, इमरान भाई है, इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इनके माध्यम से मैं चाहूँगा कि और लोग जो यहाँ पे आए हैं ऑर्गेनाइजर NGOs वो इनिशिएटिव लें और कैंप करें, क्योंकि 50-60% की रिक्वायरमेंट हमारी है और डोनर हमारे 5% भी नहीं है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग, और ये तो सदका है, ब्लड जो दे रहे हैं ये तो सदका है, ब्लड से निकलेगा किसी को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, और जो ब्लड निकलने के बाद जो ब्लड नया बनता है बॉडी में वो पुराने के मुकाबले में उसकी कुव्वत बहुत ज़्यादा होती है, वो पतला होने की वजह से
बॉडी में ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंचता है जहां गाढ़ा खून नहीं पहुंच पाता, तो एक तरीके से डोनर की भी मदद होती है और जिसको मिलेगा उसकी तो सब उसकी तरफ से तो मिलेगा ही। बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ये किस तरीके से डोनेट किया जाता है, यहां पे किससे कनेक्ट किया जाता? देखिए ब्लड डोनेशन तो सबके लिए प्रोटोकॉल सेम ही है। जो नेगेटिव डोनर्स होते हैं, अगर उस एरिया में रिक्वायरमेंट कम है, छोटा एरिया है, तो वहाँ पे नेगेटिव डोनर को हम लोग रिजर्व कर देते हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो उनको बुलाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये एरिया बड़ा है, क्योंकि हम लोग का पूरा ड्रेनेज जो है पूरा थाना डिस्ट्रिक्ट का है, तो अक्सर ब्लड की अवेलेबिलिटी कम होती है, इसलिए सारे डोनर्स को लिया जाता है। कहीं ना कहीं जो मुंब्रा शहर में ब्लड डोनेशन जो है बहुत कम ही कैंप लगते हैं, इस तरह के कैंप का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। और जो ये आज कैंप यहाँ पर लगाया गया था, इस कैंप में अब तक जो है 40 से 42 लोग जो है इसमें अपने ब्लड डोनेशन किए। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।